सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 17 और इससे पहले लेक्चर 16 तक आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए उनको, ठीक है। अगर आप हमारी ये वीडियो किसी अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी, इसे आपको सर्च करना है यूट्यूब में और वहां पे जाकर के आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर आपको देखिए क्वेश्चन 53, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, एचसीएफ, ठीक है। क्या कहेंगे, एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, इस संख्या से जो बड़ी से बड़ी निकल आएगी आएगी उससे 76, 151 और 226 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में वो क्या बचाएगी, समान शेष बचाएगी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे संख्या लिख लेनी है 76, 151, 226, इनका इनमें डिफरेंस निकालिए, ठीक है। इसका इसके साथ डिफरेंस, इसका आपको इसके साथ डिफरेंस निकालना है और इसका आपको इसके साथ डिफरेंस निकालना है। तो हम लिख लेते हैं कितना है, 151 में से हमें 76 घटाना है, इसी प्रकार से हमें 226 में से 151 घटाना है और ये तीसरा है वो है 226 में से 76 घटाना है। तो घटाइए यहाँ पे, तो ये 11 में से कितना गया आपका, 6 गया तो बच गया 5 आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका रह गया 14, 14 में 7 गया तो 7 हो गया, ठीक है, 75। और यहाँ से आप घटाएंगे तो 5 और यहाँ पे आपका 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, 75 इसमें भी बच गया। और यहाँ से आप बढ़ाएंगे तो 0 और यहाँ से आप 12 में से 7 गया तो 5 बच गया और इधर से 1 बच गया, यानी कितना बच गया, 150। अब देखिए इससे अगर हम तोड़े तो 2 × 75 कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर भी हमें कितना, 150 ही मिल जाएगा, यानी 150 ही मिल जाएगा। तो इसका जो एस होगा वो कितना होगा, 75 75 और इधर से भी 75। तो एस कितना निकल आया आपका, एचसीएफ निकल के आया 75। यही वो संख्या है जिससे हम किसमें भाग देंगे, 76, 151, 226 में, ठीक है, 226 में। इसमें कितने से भाग देना, 75 से और इधर भी 75। जब इसमें आप भाग देंगे तो इधर से भी रिमाइंडर 1, ठीक है, यहां से देंगे तो 150 हो जाएगा, दूनी यानी 1 बच जाएगा और ये 3 दूनी यानी ये आपका 75 किया होता है 225, तो इधर से भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको आसानी से हल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार का नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, वही मैंने अभी आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाया, जिससे 77, 147, 252 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या समान शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है और उसके बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है उसे उतार लीजिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो आपका यहीं तक था, ऐसे दो क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हमने, तो इसका आंसर जरूर बताना आपका कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।